ये लास्ट टाइम हम साउंड का पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पावर लॉ वगैरह इस तरह की चीजें भी हमने एट द एंड जाके जो है वो डिस्कस की थी। क्लियर? साउंड के पोर्शन में मेन जो डेरिवेशन वाली बातें थी ना, वो तो हो चुकी थी, मगर उसमें बहुत छोटी छोटी सी कुछ और चीजें भी हैं जो कि अच्छी खासी इंपॉर्टेंट होती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से। क्लियर? इसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक, इस तरह की कुछ बातें जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर टर्म इस्तेमाल हो रही होती है टाइप्स ऑफ मोशन के लिहाज से, इंफ्रासोनिक मोशन। अब ये इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक, ये तीन कैटेगरीज ऑफ मोशन है, ये हमें क्लियर करनी है। ठीक है, देखिए हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, मगर बातें सारी पता होनी चाहिए। अब होता बेसिकली यही है कि हमें कम टाइम में उन सारी बातों को डिस्कस करना होता है जो कि हकीकतन जो है हमारे पास सिलेबस में गिवन है, सिलेबस में दी हुई है। देखिए एक तो वेलोसिटी है किसी भी जगह पे साउंड की, एक वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी, नॉर्मली एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड एयर में। ठीक है, वरना हर डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब कहा जा रहा है कि एक सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है और सोर्स की वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू द साउंड, सोर्स की वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू द साउंड। ठीक है, जब सोर्स जा रहा है, ये साउंड जा रही है 340 मीटर पर सेकंड पे और सोर्स की वेलोसिटी वैसी बहुत कम होती है भाई, जैसे अगर आप रोड पे एम्बुलेंस में भी जा रहे हैं या रोड पे हॉर्न बजाते हुए भी जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी, आपकी कार की स्पीड मैक्सिमम कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, उसे आप जरा कन्वर्ट तो करिए मीटर पर सेकंड में, बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी, बहुत थोड़ी सी स्पीड रह जाएगी। इट मींस के सोर्स की वेलोसिटी, नॉर्मली रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं स्ट्रेट, सामने कोई आ गया तो क्या करते हैं, जल्दी से गाड़ी से उतर के भाग के उसको साइड पर हटा के फिर वापस आते हैं? नहीं, आपसे पहले वहां पे क्या होता है, आपके हॉर्न की साउंड पहुंच जाती है, यानी सोर्स की वेलोसिटी नॉर्मली कम होती है, सोर्स की वेलोसिटी नॉर्मली कम होती है एज कम्पेयर टू द साउंड। ठीक है, और प्रैक्टिकल कंडीशन में अपनी सराउंडिंग के हिसाब से हम कह रहे हैं कि भाई सोर्स की वेलोसिटी अगर कम है एज कम्पेयर टू द साउंड, तो सोर्स का ऐसा मोशन बेसिकली इंफ्रासोनिक मोशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकेंड टाइप इस सीक्वेंस के हिसाब से सेकेंड टाइप है वो है सोनिक मोशन। ये सोनिक मोशन का मतलब क्या है, इसको भी साथ साथ इसी सीक्वेंस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। कि अगर साउंड की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी दूसरे के बराबर बराबर है, जितनी वेलोसिटी से साउंड प्रोड्यूस होती है इतनी ही वेलोसिटी से अगर सोर्स भी ट्रेवल करके जा रहा है, तो फिर सोर्स के ऐसे मोशन को बेसिकली यहाँ पे सोनिक मोशन का नाम दिया जाता है, सोर्स का ऐसा मोशन बेसिकली सोनिक मोशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमने सारी क्लियर रखनी है। इसी तरह से जिसमें थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, सुपर सोनिक मोशन। देखिए इंफ्रा का मतलब ही होता है कम, सही है, और सुपर का मतलब भी क्या होता है, ग्रेटर, ज्यादा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी जगह पे साउंड की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी का कंपैरिजन किया और सोर्स की वेलोसिटी अगर साउंड से भी ज्यादा है, साउंड से ज्यादा तेज मूव करके सोर्स जा रहा है, तो फिर सोर्स के ऐसे मोशन को, फिर सोर्स के इस तरह के मोशन को बेसिकली यहाँ पे सुपरसोनिक मोशन का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन सारा क्लियर रखिएगा कि इंफ्रासोनिक का मतलब क्या है, इंफ्रा का मतलब साउंड की वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी कम, सोनिक का मतलब क्या है, सोर्स की वेलोसिटी साउंड के बराबर, और सुपरसोनिक का मतलब क्या है कि सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से भी जो है वो ग्रेटर है, ज्यादा है। ठीक है, एक बात जरा बताइए
क्या कोई चीज प्रैक्टिकली सुपरसोनिक मोशन से ट्रेवल कर सकती है? क्या किसी चीज का मोशन प्रैक्टिकली सुपरसोनिक हो सकता है? यस या नो? यस इब्राहिम अब्दुल रहमान साहब, शाबाश, बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक टर्म इस्तेमाल होती है मैक नंबर, इसी से कंसर्न है, इसी से रिलेटेड है, तो साथ साथ यहां पे लिख रहा हूं मैक नंबर। एक मिनट, शायद किसी का कुछ जी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, सनाविया जब्बार, शाबाश। मैक नंबर बेसिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्लियर? और इसके कैलकुलेशन में हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स की स्पीड और साउंड की स्पीड, इन दोनों का जो रेशो है, ये रेशो बेसिकली जो है वो हमारे पास मैक नंबर मतलब एम कहलाता है। तो सोर्स की स्पीड और साउंड की स्पीड का जो रेशो है वो बेसिकली क्या है, मैक नंबर है। क्लियर? अब इसमें डायरेक्टली सारी वैल्यूज पूछी जाती है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंफ्रासोनिक है तो इंफ्रासोनिक में क्या होगा। इंफ्रासोनिक की अभी हम बात कर रहे हैं, इंफ्रासोनिक में क्या होगा, सोर्स की वेलोसिटी कम है, सोर्स की वेलोसिटी कम, फॉर एग्जाम्पल 250 है। साउंड की वेलोसिटी ज्यादा थी, ऐसी बता रहा हूं कंपैरेटिवली, साउंड की वेलोसिटी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 500 है, अब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0.5 मतलब लेस देन 1 आ रहा है ना। यानी अगर किसी जगह पे इंफ्रासोनिक मोशन है तो सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से कम है, यानी सोर्स की वैल्यू कम, साउंड की वैल्यू ज्यादा, और जब स्मॉलर वैल्यू को बिगर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. समथिंग में, मतलब ऐसे केस में मैक नंबर लेस देन 1 आ रहा होता है, मैक नंबर लेस देन 1 आता है। क्लियर? अब इसी तरह से अगर सोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो भाई सोनिक मोशन में जितनी सोर्स की वेलोसिटी है उतनी ही साउंड की वेलोसिटी भी है, अगर दोनों की वेलोसिटीज बराबर हुई भी है इन केस ऑफ सोनिक मोशन, तो कैंसिल करने से जो भी वैल्यूज है 1000 से 1000 कैंसिल हो, या 340 से 340 कैंसिल हो, 300 से 300 कैंसिल हो, आंसर क्या आएगा, 1। यानी सोनिक मोशन में मैक नंबर की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर। ऐसे ही जो सुपरसोनिक मोशन है, सुपरसोनिक मोशन में ऐसे ही जरा सॉल्व करके बता दें कि मैक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वो इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, बच्चा ये खैर ग्रेटर देन 1 है भाई। अब जो है वो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। आयशा शेख, मोहसिन आवाश, अगर सोर्स की वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू साउंड, मतलब न्यूमरेटर में बिगर वैल्यू, डिनोमिनेटर में स्मॉलर वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 से ग्रेटर ही आएगा। यानी सुपरसोनिक मोशन में मैक नंबर की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1 काउंट की जाती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्लियर रखिएगा कि इंफ्रासोनिक में या सोनिक में या अल्ट्रासोनिक में किसमें मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है, किसमें मैक नंबर की वैल्यू 1 है, और किसमें मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? और देखिए प्रैक्टिकल बात हो रही थी कि सोनिक या सुपरसोनिक मोशन, ये तीनों मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्लियर? जैसे वो अमेरिकन फाइटर प्लेन Mach 2, सही है, Mach 2 का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से 2 ज्यादा तेज ट्रेवल करता था। अभी तो लास्ट ईयर, अभी इसी में मार्च में जो है वो इनका Mach 4 भी आया था ना, तो Mach 4 का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड से 4 ज्यादा तेज ट्रेवल करता है। मतलब ये जो फाइटर प्लेन्स हैं ये नॉर्मली सुपरसोनिक मोशन से ही ट्रेवल करते हैं, और इसी वजह से रेजिडेंशियल एरियाज पे से कम हाइट पे से इनका गुजरना भी बेसिकली मना होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी जो है वो मतलब फाइटर प्लेन तो छोड़ें, ये जो कॉन्कर्ड्स वगैरह होते हैं ना, ये कॉन्कर्ड्स तक जो है ये तक सुपरसोनिक पे आ जाते हैं, मतलब नॉर्मली सुपरसोनिक मोशन जो है वो चीजों में डेवलप होता है। ठीक है,
अच्छा भाई, इसमें एक डेफिनेशन थी शॉक वेव की, वो भी शॉक वेव भी इस चीज से रिलेटेड। अच्छा, और बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, मतलब अभी नहीं, 20 20 साल, 25 25 साल पहले की भी जो फाइटर प्लेन्स है ना, वो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड से 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा तेज पहले से ट्रेवल करते हुए आए हैं। मतलब ये कोई नई एग्जाम्पल, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, पूछा कि किसी ने सवाल पूछा कि एग्जाम्पल बता दें सोनिक की। तो भाई, नॉर्मली एक एरोप्लेन को, एक फाइटर प्लेन को ही कंसीडर कर लें, जब वो रनवे पे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, जब वो स्टार्ट हुआ है, मूव करके जा रहा है, तो वो सबसोनिक मिशन है। सबसोनिक या इंफ्रासोनिक, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको सबसोनिक लिख देना चाहिए ताकि वो सीक्वेंस जो है वो ऐसी मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो इसको सबसोनिक कह देते हैं कि भाई सब का मतलब ही कम है, इंफ्रा का मतलब ही कम है। रोड पे गाड़ी जा रही है, सबसोनिक मोशन है। ठीक है, एम्बुलेंस जा रही है, सबसोनिक मोशन है। हम चलते हुए जा रहे हैं, कुछ बोलते हुए जा रहे हैं, सबसोनिक मोशन है। जब एरोप्लेन मूव करना शुरू करता है तो वो सबसोनिक पे होता है, थोड़ी देर के बाद वो सोनिक पे आ जाता है, वही एरोप्लेन सोनिक पे आ जाता है। और अगर वो कॉन्कर्ड या फाइटर प्लेन वगैरह, तो वो सुपर सोनिक पे चला जाता है। मतलब सोनिक की प्रैक्टिकली हमारी सराउंडिंग में जर्नल कोई यूज वाली एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग पे, रोड पे जो भी मोशन हो रहा है, वो सारा का सारा सबसोनिक होता है, वो सब का सब सबसोनिक होता है। फाइटर प्लेन जो है वो किस पे, सुपर सोनिक पे जाते हैं। मतलब सोनिक एक इंटरमीडिएट लिमिट है, और उस लिमिट पे थोड़ी देर के लिए फाइटर प्लेन आता है, और फिर वो सुपर सोनिक पे ट्रांसफर हो जाता है। बहरहाल, शॉक वेव, शॉक वेव की डेफिनेशन क्या थी, सिर्फ याद दिला रहा हूं। अ हाई प्रेशर शीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। हाई प्रेशर शीट है, हीट है कंप्रेस्ड एयर की, क्यों डेवलप होती है, ड्यू टू द सुपरसोनिक ऑफ सोर्स। ड्यू टू द सुपरसोनिक मिशन ऑफ सोर्स। ठीक है, यानी हाई प्रेशर शीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर क्यों डेवलप हो रही है, ड्यू टू द सुपरसोनिक मोशन ऑफ सोर्स, इज कॉल्ड एज शॉक वेव। कैसे डेवलप हो रही है, बहुत डिटेल नहीं, मगर जितना बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक डिटेल तो हमारी बुक में, वो काफी हद तक कुछ जगहों पे जाके नाकाफी हो जाती है, मगर मसला ये कि उससे ज्यादा पढ़ ले तो फायदा क्या, वो गलत हो जाएगा। बहरहाल, ये साउंड साउंड वेव थी, साउंड वेव ट्रेवल कर रही है यहाँ पर, और ये सोर्स है। अब साउंड भी मूव कर रही है, सोर्स भी मूव कर रहा है इन अ सेम डायरेक्शन, बट सोर्स की मोशन जो है वो ज्यादा है, सोर्स की मूवमेंट ज्यादा तेज है। मतलब साउंड इतना ज्यादा तेज ट्रेवल करके अभी आगे गई नहीं थी, मगर सोर्स जो है वो ट्रेवल करके ज्यादा आगे की तरफ आ गई। छोटा सर्कमफेरेंस बना, एक साउंड वेव यहाँ पे और डेवलप हो गई। ठीक है, इसी तरह से फिर ये सोर्स जो है वो तेज से ट्रेवल करके और आगे की तरफ गया, साउंड अभी इतनी आगे गई नहीं थी, इसी जगह पे शॉक वेव जो है, मतलब इसी जगह पे साउंड वेव्स और जमा होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कंडीशन डेवलप की जा रही है कि साउंड की मूवमेंट स्लो है और सोर्स की मूवमेंट जो है वो तेज है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारी साउंड वेव, मतलब बहुत सारे कंप्रेशन जो है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, और अगर एक ही जगह पे बहुत सारी साउंड वेव डेवलप हो जाएंगी, मतलब जमा हो जाएंगी, यहाँ पे एक हाई प्रेशर शीट जो है वो एयर की डेवलप होगी, और फिर ये हाई प्रेशर शीट जब किसी भी जगह पे जाके हिट करेगी, तो हिट करने से बेसिकली शॉक प्रोड्यूस होगा, इसी वजह से ऐसी वेव को बेसिकली शॉक वेव का नाम दिया जाता है। ये शॉक वेव इसी वजह से कहलाती है। और ये जो आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो शिप्स वगैरह होते हैं, शिप्स भी तो हाईवेज बने हुए होते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर शिप है। ठीक है,
ब्रह्मन शिप्स के ऊपर भी क्या होता है, पूरे हाईवेज बने हुए होते हैं, मतलब ये पूरे रनवेज वगैरह बने हुए, रनवे पे भी अगर शिप के ऊपर भी कोई फाइटर प्लेन जो है वो इसके रनवे से मूव करता हुआ जा रहा है, तो जब ये मूव करता हुआ फाइटर प्लेन आगे की तरफ जा रहा होता है तो साइड पे जो भी लोग होते हैं वो कैबिन्स में अंदर चले जाते हैं, कोई साइड पे खड़े होकर, ऐसा नहीं होता कि कोई पागल आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे खड़े होकर जो है वो रेड कलर का फ्लैग हिला रहा है या फिर ग्रीन कलर का फ्लैग हिला रहा है कि भाई सब नॉर्मल है आ जाओ, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है, क्योंकि जब ये फाइटर प्लेन यहाँ पे स्ट्रेचिंग बेल्ट्स भी होते हैं, इधर पूरे स्ट्रेचिंग बेल्ट्स होते हैं, स्ट्रेचिंग बेल्ट से पूरा इसको स्ट्रेच भी मिलता है, और पुश करने के बाद जब ये आगे मूव कर रहा होता है तो आगे मूवमेंट पे इसमें जेट भी चल रहा होता है, तो नॉर्मली ये रनवे पे ही सुपरसोनिक में आ जाता है, और अगर सुपरसोनिक में आया शॉक वेव डेवलप हुई तो शॉक वेव सराउंडिंग में लोगों पे हिट करेंगी और ये इनकी बॉडी बस्ट कर जाएगी, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है शॉक वेव। तो बाय कंडीशन शॉक वेव्स जो है प्रॉब्लम करती हैं, इसीलिए नॉर्मली यहाँ पे लोग भी जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। तो ये शॉक डेवलप करने वाली जो वेव्स हैं ड्यू टू द सुपरसोनिक मोशन ऑफ सोर्स, ये कहलाती हैं बेसिकली शॉक वेव्स। अच्छा, शॉक वेव्स के बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास यहाँ पे इको की। कुछ लोग इको भी कहते हैं, कुछ लोग एको भी कहते हैं। कुछ किसी को याद है कि इको या एको कुछ भी बोल लें क्या फर्क पड़ता है? ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क होता है ना सर, होता क्या है ये इको? याद है किसी को कुछ? अच्छा, आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज बहुत स्लो आ रही है, शायद मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ इसलिए आवाज स्लो आ रही होगी, मैं जोर से बोल के देख लेता हूँ, मगर जोर से बोलना नहीं चाहिए, बुरी बात होती है, मगर बाकी जरा मुझे कुछ लोग फीडबैक दें क्या आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। नहीं, असल में बारिश, पता नहीं आप लोगों की तरफ भी बारिश तो स्टार्ट हो गई होगी ना, तो बारिश के टाइम पे सिग्नल ड्रॉपिंग तो होती है, और सिग्नल ड्रॉपिंग जो है वो सबसे पहले ये साउंड सिग्नल्स को इफेक्ट करती है ना, तो ये साउंड का प्रॉब्लम बारिश होने पे आ जाता है, अल्लाह मालिक है, सही हो जाएगा सब। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे इको की, तो इको का मतलब क्या? डबलिंग ऑफ साउंड। इको का मतलब क्या? डबलिंग ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स तो है, मगर ये बेसिकली डबलिंग ऑफ साउंड होता है। डबलिंग ऑफ साउंड कहलाता है बेसिकली इको, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो मैं जहां पे बैठा हुआ हूं इस रूम में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप जिस रूम में बैठे हुए होंगे वहां पे भी जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो वहां पे भी हो रहा है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उस वक्त किसकी, डबलिंग ऑफ साउंड की, आवाज का डबल हो जाना। इसके लिए देखें प्रॉब्लम है क्या, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहां पे इको नहीं हो रहा, जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे इको नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए, अब हमारे दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में इको का मतलब गलत होता है, डिफरेंट होता है, रिपीटेशन, ये बात बेहतरीन, रिपीटेशन ऑफ साउंड होनी चाहिए, मतलब डबलिंग ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड, ये सही, बिल्कुल आपने सेंटेंस यूज किया, रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है। डबलिंग ऑफ साउंड या रिपीटेशन ऑफ साउंड जो है ये इको कहलाती है, और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जिस रूम के अंदर अभी मैं मौजूद हूं, यहां पे इको क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है भाई? जिस जगह पे अगर मैं मौजूद हूं तो लाजमी सी बात है, इधर क्या है, इधर रूम में इस जगह पे अगर कोई भी शख्स मौजूद, आप मौजूद हैं किसी पर्टिकुलर रूम में, ठीक है, आप कुछ बोलेंगे तो आपकी अपनी आवाज आपके कानों में जब पहुंचती है, आपकी अपनी आवाज आपके कानों में जब पहुंचती है
उसमें टाइम लगता है 0.01 सेकंड के बराबर, 0.01। ठीक है, एक साउंड का मैसेज गया नहीं था, आवाज टकरा के, मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस था, 3 मीटर का डिस्टेंस था, आवाज जल्दी से टकरा के वापस आ गई 0.02 सेकंड में। यहां से आवाज टकरा के वापस आ गई 0.03 सेकंड में। मतलब एक साउंड का मैसेज गया नहीं था, दूसरा साउंड का मैसेज वापस आ गया, तीसरा मैसेज वापस आ गया, चौथा मैसेज वापस आ गया, यानी अपनी आवाज खींचती हुई फील हुई। ये जो आवाज की इलोंगेशन है, इलोंगेशन ऑफ साउंड है, ये इलोंगेशन ऑफ साउंड ये तो कहलाती है बेसिकली एकॉस्टिक्स। ठीक है, इलोंगेशन नहीं, हमें डबलिंग ऑफ साउंड चाहिए। डबलिंग के लिए कहते हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, डिस्टेंस मिनिमम 17 मीटर के बराबर होना चाहिए। 17 मीटर से ही इको फील हो सकता है, अदरवाइज इको फील होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसकी भी वजह क्या थी कि भाई यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, कोई शख्स इधर मौजूद है, ठीक है, इसने कुछ बोला, इसकी आवाज टकरा के वापस आई, ठीक है, इसकी अपनी आवाज इसके कानों में गई होगी 0.01 सेकंड में, और अगर ये 17 मीटर का डिस्टेंस है तो आवाज टकरा कर यहां से वापस आई होगी 0.1 सेकंड। अगर टाइम में इतना डिफरेंस आ जाए ना, 0.01 और 0.1, इतना टाइम में डिफरेंस आ जाए, तो एक मैसेज जो है वो जा चुका होता है, फिर दूसरा मैसेज आके टकराता है 0.1 सेकंड के बाद, तो डबलिंग होती है। और इस साउंड की डबलिंग को, इस साउंड की रिपीटेशन को बेसिकली यहाँ पे एको का नाम दिया जाता है। ठीक है, और हाँ एग्जैक्टली सही है। तो अगर देखा जाए तो आप जिस रूम में बैठे हुए ना, इस रूम में तो अगर आप फर्नीचर या कारपेट या ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे रखें और बोलते रहे, फिर भी आवाज की डबलिंग आपके रूम में नहीं होगी। एक बार जरा सोचे, जब सेंटर जा रहे होते हैं, सेंटर के रूम में बैठे हुए होते हैं, सेंटर के रूम्स में तो कोई ज्यादा कर्टन्स या कारपेट या फर्नीचर इतना ज्यादा नहीं होता ना, सिर्फ चेयर्स वगैरह होती हैं। ठीक है, चेयर हार्ड चेयर्स है, ज्यादा एब्जॉर्बिंग भी नहीं होती, तब भी क्या आवाज डबल फील होती है? नहीं, सेंटर में भी क्लासरूम में जाके आवाज डबल फील नहीं होती, आवाज जो है वो इलोंगेट करती हुई लगती है, मतलब अकॉस्टिक्स होता है, इको नहीं होता। ठीक है, इको कहाँ पे हो रहा होगा, जहां पे डिस्टेंस 17 मीटर या 17 मीटर से ज्यादा है, जैसे कोई हिल एरिया है। ठीक है, अब हिल एरिया है, कोई शख्स यहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, मूवीज वगैरह में होता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं ऐसे खड़े होकर। अब इसने कुछ बोला, यहां से आवाज टकरा के वापस आई, इको हुआ, यहां से भी आवाज टकरा के वापस आई, इको हुआ, यहां से आवाज टकरा के वापस आई, तब भी क्या हुआ, इको हुआ। यानी मल्टीपल इकोस जो है उसको फील हो सकते हैं, बस डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले 50 मीटर था, फिर उसके बाद यहाँ पे 200 मीटर हो गया, पहाड़ तो करीब करीब लग रहे होते हैं, मगर बड़े दूर दूर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 550 मीटर हो गया, तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद आवाज का इको जो है वो फील भी हो रहा होता है। ठीक है, तो आवाज इलोंगेट कर रही है, खिंच रही है, तो वो खिंचना, आवाज का खिंचना अकॉस्टिक्स है, और अगर आवाज डबल हो रही है तो डबलिंग ऑफ साउंड जो है वो बेसिकली इको कहलाता है, डबलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज इको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो लास्ट है वो इसमें है बीट्स, के बीट्स क्या होती है, देखिए बीट्स की डेफिनेशन क्या थी, द कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन, द कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स having slightly different frequencies, having slightly different frequencies. ठीक है, यानी अगर ऐसी साउंड वेव्स आपस में मिले जिन साउंड वेव्स में कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो उनके मिलने से क्या होता है, फ्लक्चुएशन होती है, साउंड की फ्लक्चुएशन होती है, और ये प्रोसेस कहलाता है बेसिकली बीट्स। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर continuous fluctuation of sound, continuous fluctuation of sound क्यों है, superposition
साउंड्स की वजह से, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। भाई क्या चीज हो गई, बीट्स के बारे में क्या पता चला है, क्या कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड है। फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड क्यों हो रही है, सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स की वजह से, टू साउंड्स की वजह से। कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। इस तरह की साउंड वेव्स में मिलने से जो फ्लक्चुएशन होती है, इसी फ्लक्चुएटेड साउंड को बेसिकली जो है वो बीट्स का नाम दिया जाता है। हाँ रेदा, गौर से सुनिएगा, बीट्स क्या है, कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड। आवाज बढ़ी, जैसे वोल्टेज नहीं होता, वोल्टेज एकदम से बढ़ता है एकदम से कम होता, इसी तरह से यहाँ पे भी है कि बीट्स में भी आवाज एकदम से बढ़ती है फिर कम होती है, फिर बढ़ती है फिर कम होती है, और ये जो साउंड में फ्लक्चुएशन आती है ना, इनको बोलते हैं बेसिकली बीट्स। जैसे वो गिटार की ट्यूनिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग भी हो रही होती है ना इसी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे के पास या किसी के पास कोई पर्टिकुलरली गिटार था, ठीक है, अब गिटार में कंडीशन किस तरह की, डिफरेंट स्ट्रिंग्स ही हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं, 5 स्ट्रिंग है 7 स्ट्रिंग है, पता नहीं क्या होता है, एक लीड गिटार होता है, एक बेस गिटार होता है, कोई भी एक गिटार था, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स हैं, हॉलो गिटार है, एक वायर की थिकनेस अलग है, दूसरे वायर की थिकनेस अलग है, टेढ़े टेढ़े वायर बन रहे हैं, इधर वायर बनाए ना, छोला गिटार बना दो, 3 तार थे इसमें। अब हर वायर के लिहाज से फ्रीक्वेंसी भी तो डिफरेंट होती है ना, हर वायर के लिहाज से फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल डिफरेंट है। वन नोट नहीं काम करना छोड़ दिया कि भाई ऐसी हरकतें करोगे तो वन नोट भी नहीं चलेगा। सॉरी भाई, वन नोट पे मसला आ रहा है, कुछ नहीं होता ऐसी। हर स्ट्रिंग के लिहाज से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सेट करना है। जैसे ये वाली स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को 512 हर्ट्ज पे लाना था, तो क्या किया, एक ट्यूनिंग फोक को साइड पे रखा। अब ट्यूनिंग फोक को साइड पे रख के ऐसे हिट किया, इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 512 हर्ट्ज के बाद 512 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी थी। इस वायर को भी वाइब्रेट कर दिया, इस वायर से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है और इससे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड होगा। इससे पता चल जाता है कि वायर की फ्रीक्वेंसी अलग है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्यूनिंग फोक की डिफरेंट है। अब वायर की फ्रीक्वेंसी तो कंफर्म नहीं थी, मगर ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे कंफर्म थी। बहुत प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अब जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो गई तो बस एक दफा आवाज बढ़ेगी और आवाज बढ़ के खत्म हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि वायर की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज पे जो है वो सेट हो चुकी है, और अगर बीट्स प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब स्क्रू जो दिया हुआ होता है, स्क्रू को टाइट करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन बढ़ाएंगे इन अ वायर
फ्रीक्वेंसी उसी लिहाज से साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। याद है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला था 1/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू सोनोमीटर में। यानी टेंशन जब बढ़ाते हैं ना स्ट्रिंग, तो उससे रेजोनेटिंग या वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाती है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब ट्यूनिंग करते हैं, तो वायर से जब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, तो बीट जनरेट होना खत्म हो जाएंगी, बस आवाज बढ़ेगी और आवाज बढ़ के खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं बीट जर्नल, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग जो है वो यहाँ पे ट्यूनिंग फोक्स है। इन दो ट्यूनिंग फोक्स को आपस में मिला रहे हैं, मतलब इनसे बीट जनरेट करवा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, एक की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज और दूसरी की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे तकरीबन 8 हर्ट्ज के बराबर। दोनों को हिट किया, दोनों वाइब्रेट करेंगे, एक को F1 कर देते हैं, एक को F2 कर देते हैं। अच्छा, कंडीशन है क्या, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, पता है। ऊपर वाले ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, F1 ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ कम प्रोड्यूस होगी, और F2 8 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम मतलब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो विड्थ है वो यहाँ पे कम होती है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की विड्थ भी कम है। और अगर जहां पे नीचे वाले ट्यूनिंग फोक की बात करें, फ्रीक्वेंसी कम थी तो इसका मतलब है वेवलेंथ ज्यादा है, इसमें कंप्रेशन की विड्थ और रेयरफैक्शन की विड्थ जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। अब इस तरह की साउंड वेव्स को मिला रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, मतलब इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, ये इस सब के कंप्रेशन है और ये क्या है, बेसिकली रेयरफैक्शन है, ये इसके कंप्रेशन और ये इसके रेयरफैक्शन। ये बात पता है कि जब सेम पॉइंट मिलते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेम पॉइंट कंप्रेशन कंप्रेशन मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन मिलेंगे क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, फिर कंप्रेशन कंप्रेशन मिले तो इसकी वजह से फिर से क्या होगा कंस्ट्रक्टिव। यानी सेम पॉइंट मिलने से कंस्ट्रक्टिव और डिसिमिलर पॉइंट मिलने से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसकी वजह से अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ ऑफ साउंड जो डेवलप होता है ना उसमें ही पता चल रहा होता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्टिव से कम हो रहा है, फिर कंस्ट्रक्टिव से बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्टिव से कम हो रहा है। मतलब इसी तरह से फ्लक्चुएटेड साउंड प्रोड्यूस होती है और इसी फ्लक्चुएटेड साउंड को बेसिकली बीट्स का नाम दिया जाता है कि आवाज आ रही है, खत्म हो रही है, फिर आवाज आ रही है, फिर गायब हो रही है। यही दरअसल जो है फ्लक्चुएशंस ऑफ साउंड बेसिकली बीट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी में एक डेफिनेशन थी बीट्स फ्रीक्वेंसी की, बीट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब वन सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट टाइम। जैसे एक सेकेंड में दो दफा आवाज फ्लक्चुएट कर रही है तो भाई बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज के बराबर। एक सेकेंड में 5 दफा आवाज फ्लक्चुएट कर रही है, आवाज बढ़ रही है कम हो रही, 5 दफा हो रही है तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F1 माइनस F2 और मैक्सिमम ऑडिबल बीट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑडिबल बीट फ्रीक्वेंसी होती है 7 हर्ट्ज की, जिसे हम FB मैक्स भी कहते हैं कि FB मैक्स की वैल्यू कितनी है, 7 हर्ट्ज के इक्विवेलेंट है, 7 हर्ट्ज के बराबर भी है। ठीक है, ये चीज ले रखिएगा। और एक आखिरी बात इससे रिलेटेड कि भाई अगर ये बुक वाला MCQ है और अक्सर जगहों पे एप्टीट्यूड टेस्ट में इस्तेमाल भी होता है, दो ट्यूनिंग फोक है इनको साउंड करवा रहे थे और बीट फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही थी 4 हर्ट्ज के बराबर। बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है, एक ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बता दी 256 हर्ट्ज, तो दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी की
और से सुनिएगा, दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे। इसके जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें पेयर बने हुए आते हैं, पेयर ए सही है, पेयर बी सही है, पेयर सी सही है, या पेयर डी सही है, पेयर्स बने हुए आते हैं। ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर है। फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई अगर पहले वाली फ्रीक्वेंसी 256 है तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी या तो चार ज्यादा होगी या फिर चार कम होगी। चार ज्यादा या चार कम, जब तो डिफरेंस फोर का बनेगा। 256 में फोर ऐड कर दें कितना हो गया 260, और अगर इसमें से फोर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बच गया 252। मतलब अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए, एक में 260 हर्ट्ज और 252 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे लिए सही ऑप्शन माना जाएगा। तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एक फ्रीक्वेंसी वैसी गिवन हो, दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबल वैल्यूज पूछी जाए, तो क्या करना है? हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए बस इसी को सब्ट्रैक्ट करके और इसी को ऐड करके देखना है, 256 माइनस 4 और 256 प्लस 4। इससे हम दोनों पॉसिबल वैल्यूज जो है वो मालूम कर सकते हैं, जो कि 252 और 260 है। ठीक है, इस मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। कमिंग मीटिंग में अब हम